जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे ने एक बहुत बड़े बदलाव इस मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में की है। तो क्या बदलाव आपको इस ट्रेन में देखने को मिलने वाला है और यात्रियों को कौन सी परेशानी सामने आने वाली है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ट्रेन नंबर के साथ कि भारतीय रेलवे ने इस मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों में कौन से बड़े बदलाव भारतीय रेलवे किए हैं, और साथ में मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने नए कोच लगाने की तैयारी कर रही है, जिसका डेट भी भारतीय रेलवे द्वारा कन्फर्म कर दिए हैं कि किस दिन से इसमें कोच भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि वाराणसी और बहराइच के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस में कौन कौन से कोच भारतीय रेलवे लगाने वाली है, जिससे यात्रा बढ़ने वाली है, यात्रा के दौरान लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर से भारतीय रेलवे इन महत्वपूर्ण ट्रेनों में कौन से बड़े बदलाव किए हैं। तो दक्षिण मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मंडल में चल रहे विकास कार्यों के लिए ब्लॉक किया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से भारतीय रेलवे इसे चलाने वाली है। अगर इस रूट से अगर आप सफर करने वाले हैं या फिर आप इसमें टिकट बुक किए हैं तो ये जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इसके मुताबिक ट्रेन संख्या 351 धनबाद उंजा एक्सप्रेस 30 सितंबर से 27 अक्टूबर तक अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से दर्दवालू भीमवरम टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का ताड़ेपली गुलम तथा बेलूर स्टेशन पर ठहराव नहीं होगा। इसी तरह ट्रेन संख्या 2837 हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस 30 सितंबर 7-14 और 21 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग से भारतीय रेलवे चलाएगी। इसको निदरवोलू भीमवाड़ा टाउन गुड़ीवाड़ा और विजयवाड़ा होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण इस ट्रेन का एलूर स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया गया। उसी तरह ट्रेन संख्या 18637 हटिया सर ए विश्वसरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 5-12-19 और 26 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग निर्दवेलू भीमवाड़ा टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। उसी तरह ट्रेन संख्या 1835 हटसर एम विश्वसरैया बेंगलुरु एक्सप्रेस 1-6-8-13-15-20-22 और 27 को अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग यानी कि बदले हुए मार्ग निर्दवोलू भीमवरम टाउन गुड़ीवाड़ा विजयवाड़ा होकर चलेगी। तो दोस्तों, इन जो ट्रेनों का मैंने आपको नंबर बताया है, इसे भारतीय रेलवे ब्लॉक के कारण भारतीय रेलवे इसे परिवर्तित मार्ग से चलाने वाली है, जो कि मैंने आपको रूट भी बता दिया है कि भारतीय रेलवे किस रूट से इस ट्रेन को लेकर जाने वाली है। अगर इस रूट से अगर आपको सफ़र करना है तो आप इसे अगले स्टेशन पर जाकर इसमें बोर्ड कर सकते हैं, जिस स्टेशन का नाम भारतीय रेलवे ने जारी किया है। फिलहाल जिस तारीख को भारतीय रेलवे ने इसे परिवर्तित मार्ग से चला रही है वो भी जानकारी मैंने आपको दे दिया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना टिकट तो ले लेते हैं, लेकिन उस ट्रेन का स्टेटस नहीं पता करते हैं कि इस ट्रेन जिस दिन को हमको जाना है उस दिन हमारे रूट से होकर ये ट्रेन जाने वाली है कि नहीं। लेकिन भारतीय रेलवे नोटिफिकेशन जारी कर देती है, जो लोग नहीं देख पाते हैं उन लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है और ट्रेन निकल जाती है। तो अगर आप इस रूट से सफ़र करने वाले हैं और ये जो मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें इस रूट की हैं, इसमें भारतीय रेलवे ने बदलाव किए हैं, जो कि ब्लॉक के कारण परिवर्तित मार्ग से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कुछ दिन तक करने वाली है। तो इस रूट से अगर आपको सफ़र करना है तो आप स्टेटस चेक अपने सफ़र के लिए घर से निकलें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे ने नए कोच लगाने की तैयारी कर रही है। तो किस दिन से इसमें आपको नए कोच देखने को मिलेंगे और भारतीय रेलवे इसमें कौन कौन से कोच लगाने जा रही है। तो दोस्तों, लखनऊ और वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस और वाराणसी बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस में भारतीय रेलवे कोच बढ़ाने जा रही है। दोनों ट्रेनों में स्लीपर और एसी 3 टीयर के 2-2 अतिरिक्त कोच भारतीय रेलवे लगाने जा रही है। त्यौहार को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है।
दोनों ट्रेनों में आपको 13 अक्टूबर से 4-4 नए कोच बढ़ाए जाएंगे। वहीं लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस को संशोधित समय सारणी के साथ चलाए जाएंगे। 13 अक्टूबर से लखनऊ से सुबह 6:35 पर खुलेगी और 11:55 पर आपको वाराणसी कैंट ले जाकर छोड़ेगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन में 13 अक्टूबर से 4 नए कोच भारतीय रेलवे लगाने जा रही है, जिसमें आपको स्लीपर और एसी 3 टीयर के कोच भारतीय रेलवे इसमें लगाने वाली है, ताकि जो भी लोग फेस्टिवल सीजन में अपने घर आते और जाते हैं उन लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। क्योंकि एक ट्रेन में अगर 4 कोच भारतीय रेलवे इजाफा करती है, बहुत सारे लोगों को इससे फायदा मिलने वाला है। तो ये जो भारतीय नए कोच इस ट्रेन में लगा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों में भारतीय रेलवे को अतिरिक्त कोच फेस्टिवल सीजन में लगानी चाहिए, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसी ट्रेन में भारतीय रेलवे अगर अतिरिक्त कोच अटैच कर रही है तो उसकी भी जानकारी आएगी, तो वो भी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।